हाय फ्रेंड, मैं हूँ सचिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हैं जुगाड़ू। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक पुराने ख़राब CFL स्ट्रीट लाइट को 200 वाट मॉन्स्टर LED स्ट्रीट लाइट बनाने जा रहे हैं, वो भी केवल मात्र 100 रुपये में। वीडियो पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे बताता रहूँगा। यह एक पुराना CFL स्ट्रीट लाइट है, ख़राब पड़ा हुआ था, जिसको हम लोग आज रिप्लेस करेंगे LED के साथ में। पहले ये बहुत ही गंदा है, इसको पहले हम लोग साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद LED के CFL को निकालेंगे और LED इसमें फिटिंग करेंगे। स्टेप बाय पूरा वीडियो को पूरा देखें, आगे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल किंग ऑफ जिगार को। भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या पसंद नहीं आया उसमें, हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ज़रूर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये फाइबर ग्लास भी बहुत ही गंदा है, इसको हम लोग सर्फ की सहायता से साफ़ कर लेंगे, फिर इसको वापस लगा देंगे। ये 200 वाट का LED बोर्ड है, जिसमें एक एक वाट के 200 बल्ब लगे हुए हैं। ये डायरेक्ट 220 वोल्ट पे ऑपरेटिंग है, इसको कोई भी DC ड्राइवर या फिर अलग से कोई DC करंट देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 220 वोल्ट पर ही ऑपरेटिंग करता है। सिर्फ इस पर नेगेटिव पॉजिटिव करंट में देना है 220 वोल्ट का और ये डायरेक्ट ही ग्लो करेगा। ये LED बोर्ड इजीली मार्केट में 100 रुपया में मिल जाएगा, ये 200 वाट का है और काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है और अच्छा ड्यूरेबल भी है, अच्छा टाइम पर चलता भी है और अच्छा लाइट भी देता है। ये स्ट्रीट लाइट में से हम लोगों ने CFL निकाल लिया। अब जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो ये प्रॉब्लम है कि हम LED बोर्ड को कैसे इस स्ट्रीट लाइट में फिट करें, क्योंकि ये फ्लैट है और हमें एक बेस बनाना पड़ेगा पहले, एक मेटल सीट का, जिस पर वो LED बोर्ड फिट हो पाए इजी वे में। इसके लिए हम लोग एक अल्मीनियम का सीट यूज कर रहे हैं और फर्स्ट पहले मेजर कर लेते हैं हम लोग की बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उसी के हिसाब से हम उस मेटल सीट को कट करेंगे और उसके बाद हम उसकी बेस बनाएंगे और बेस बनाने के बाद हम लोग फिटिंग करेंगे। देखते रहिए भाई, इस कैंची की बस की बात तो नहीं है, यहाँ इसके लिए तो कैंचा चाहिए।
स्पेस को फिटिंग करने के लिए हम लोग चार होल बनाएंगे और नीचे जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है उसमें भी हम लोग एक होल करके चार स्क्रूब्स के सहायता से उसमें हम लोग फिट कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस पर LED लाइट को लगाएंगे। अब हम लोग इस LED बोर्ड में दो वायर जो है नेगेटिव पॉजिटिव उसका सोल्डिंग कर लेते हैं, जिसका कनेक्शन हम लोग 220 वोल्ट पर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद हम लोग एक बार LED बोर्ड को चेक कर रहे हैं 220 वोल्ट पर लाइन देकर। देखिए इसका लाइट इतना ही ब्राइट है जो कि हम लोग डायरेक्ट आंखों से देखने पर देखा नहीं जा सकता है, और कैमरा इसको अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर रहा, मगर रियल में आप जब देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है। अब हम लोग इस LED बोर्ड को फिट करना है, हमें जो बेस बनाया है हम लोग उसमें, इसके लिए हम मेरे पास जो था कॉटन का डबल साइड टेप है 2 इंच का, यही हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास यही था तो मैं यही लगा रहा हूँ। आप चाहें तो डबल साइड टेप मार्केट में मिलता है वो भी लगा सकते हैं। मैंने वही बचा हुआ डबल साइड टेप के टुकड़े को स्ट्रीट लाइट के किनारे कॉर्नर पर लगा दिया है, क्योंकि ये जब हम लोग उस पर ग्लास लगाएंगे तो वो वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ का काम करेगा, और जिससे हमारे जो LED है का लाइफ जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट है और कितना ज़्यादा रोशनी दे रहा है ये LED लाइट। घर पर आप आसानी से 100 रुपये में 200 वाट मॉन्स्टर LED स्ट्रीट लाइट बना सकते हैं। अगर यही स्ट्रीट लाइट आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो ये 200 वाट का LED स्ट्रीट लाइट लेने में आपको 4 से 5 हज़ार रुपये से ऊपर का कॉस्टिंग आ सकता है, जो कि मात्र आप 100 रुपये में बना ले रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो।